हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं SB मीम 4 चैनल से हाउ टू वाबिटे मौज कर दी एपिसोड 118। वाह क्या सीन है SB मीम। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। आप देखो, बीवी करी शौहर से, मैं भी घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ, मुझे भी हर महीने सैलरी चाहिए। शौहर कह रहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी, अगर काम पसंद नहीं आया तो नौकरानी बदल दूंगा। वो भी नौकर बदल सकती है। एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर सुंदरता के लिए बात करती तो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू अपनी गर्वान में झांक के देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। हाय, मैं हूँ आदित्य श्रीवास्तव और इनको तो आप जानते ही हो। दया, क्या नाम है आपका? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। दयानंद शेट्टी। दया को कौन नहीं जानता, किसको अपने घर के दरवाजे तोड़वाने हैं जो दया से पंगा लेगा। ओरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। ये आपके जूते में ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ये बगल में कौन बैठे तुम्हारे? बगल में दोस्त है। दिखाओ ना शक्ल। क्यों देखनी है शक्ल? क्या पता अच्छा दिखता हो। हाँ अच्छा 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 लगा। सारी उम्र में भाई शक्ल देख जाके मेरी निष्ठा मानी है, मतलब 19 मौके दिए भगवान ने तब भी तू माना नहीं। सैड वो सैड। यस, क्या बताया था? ये क्या करती है? हेयर स्टाइलिस्ट। अच्छा, वो जो मॉडल्स या एक्टर्स होते हैं ना, उनके बालों को स्टाइल करती है। हमारे यहाँ इसको नाई कहते हैं। मैनू विदा करो। इंग्लिश में उसे भी हेयर ड्रेसर बोलते हैं आंटी। इतनी खूबसूरत लड़की, उसके लिए तो आपको गिफ्ट लाना चाहिए था ना। मुंह उठा के आ गया तो दे दो ना अपना लावा फोन, सजेस्ट कर रहे हो तो गिफ्ट लाना चाहिए। तो गिफ्ट मैं लेके आया हूँ, मैं फालतू आदमी नहीं हूँ। एज अ डॉक्टर आई वांट टू गिव यू दिस। वाह। और अभी तो रुको, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, 150 रुपए दे दीजिए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ए कौन है तू? राष्ट्रपति चली, मैं तो पारी चली। क्या हुआ था कि आप 7 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे? जी मुझे कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ नहीं पता? वो तो नर्स को पटाने के लिए हम 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। भाई मरीजों पर भी अब कोई भरोसा ना करे क्या? बताओ। तुम जानते हो मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ तो मैंने सोचा कि ये बात जानकर तुम बदलने की कोशिश करो। अच्छा क्यों? अब मैं क्या तुझसे प्यार करूं या तुम्हें भूल जाऊं? भूल जा। एनिमल में आपने 3 शादी की, मेरा मन कर रहा है लेकिन मेरी पत्नी नहीं मान रही। बहुत ये है कि जोश बहुत रोमांटिक है। ये तो है, हमारा दिल भरता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अरे और अभी तो रुको, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे का चोट चबा डाला। फोन बजा पैसे। अगर तुम्हें दोस्ती चाहिए तो हम हैं ना? नहीं, तुम तो मेरे डैड हो। अच्छा है? तू तो मेरी मॉम है और ये दोनों मेरे नौकर हैं। सारी उम्र में धोखे जबड़े और ऊपर से गिरा बम, फागुन महीना खत्म, चूहा निकला बिल से, हैप्पी होली दिल से। और होली के बाद आती है दिवाली, जय हो माँ काली। बिल्कुल वो माँ काली है। कहानी हो के नगर में तुम्हें लेके जाओ। अगर तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्वान में झांक के देख। तू हट जा। ये क्या? तुझे गिफ्ट चाहिए था ना, ले ले
ये भी अच्छा ना लगे तो मेरा ले ले। लड़का लड़की से बोला, चलो कार में बैठो। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, बैठो फिर बताऊंगा। लड़की कार में बैठ गई। लड़का लड़की को अपने घर ले गया। लड़का लड़की को बोला, बेडरूम में चलो। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, पहले चलो फिर बताऊंगा। लड़का बोला, भाई हर जगह अब बेड पर लेट जाओ। लड़की बेड पर लेट गई। ओ यार। लड़का बोला, अब कंबल ओढ़ लो। लड़की बोली, क्यों? लड़का बोला, कंबल डालो फिर बताता हूं। अब कंबल में अंधेरा था और लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ये देख मेरी घड़ी में लाइट जलती है। जल्दी जल्दी पिकअप करो, अब अभी एक ऑर्डर बाकी है। ये बटर काजू पनीर राजू मसाला। अरे रुको जरा, सबर करो। राजू को पकड़ के ला रहे, राजू का मसाला। Ready? Onion. Onion? Yes. Potato. Potato. इसमें स्वैग क्या था? और अभी तो रुको, नहीं शेर सुना दो, कोई सुना दो, कोई शेर वेर आ रहा है मुंह में। शेर सुन, शेर है दस्तूरी, मैंने तेरी कमाई निकाल, मेरी मजदूरी। मुंह मैंने दिमाग में शेर आ रहा। अच्छा आपके घर में गार्डन है तो माली भी होगा? हाँ माली भी। पौधों को पानी डालता है वो? हाँ। किसी दिन लेट हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। आज वो बहुत अच्छे मूड में है। रोको उनको, अच्छे मूड में है तो पहले 9 बच्चे इनके। अरे तुम यहाँ पर, ये लीजिए, आप इसे भूल आए थे। और आज मेरी किस्मत तुम्हारी वजह से बदल गई है। मैं सच कहता हूँ, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। अच्छा वहीं से पी लेना। अरे आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, मैं इसे पहले ही पी गया था इसीलिए सॉरी बोलने आया था। राशि, अगर तुम ये ड्रेस नहीं भी पहन के आती तब भी ऐसी लगती जैसी अब लग रही। अब तू गया बेटा। अच्छा? अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अच्छा, जैसे बिना ये ड्रेस पहने तुम लग रही। कैसा हुआ टेस्ट? मम्मा जी बहुत अच्छा हुआ, आज फिजिक्स का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। मम्मा मेरा % हो गया। एक ही सवाल आया था और 20 मार्क्स का था सवाल था, मैंने लिखा है ये देखें। कितने % हुआ ये बताओ। मम्मा जी मेरा तैयार है, मेरा 50% हो गया। अच्छा, सवाल था व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स हाँ, तो मैंने टीचर को भला क्या कहा? मैंने कहा टीचर आता तो है लेकिन टीचर लिखना था कि जवाब टीचर को देना था। नहीं टीचर, मामा लिखना ही था। अच्छा हाँ, तो क्या लिखा? तो मैंने लिखा कि मैंने टीचर को बताया कि टीचर मुझे आता तो था लेकिन मुझे आगे वाला भूल गया, मैं आखिर वाला सुना देती, मतलब आखिर वाला लिख देती हूँ। मैंने आखिर वाला क्या लिखा, इतना लिखा मुझे क्या लिखा भाई? क्या लिखा आखिर? मैंने लिखा एंड दिस इज फिजिक्स। बट लड़कियों को बॉडी वाले लड़कों से ज्यादा पतले दुबले लड़के पसंद आते। दीदी लड़कियों के लिए बॉडी बना कौन रहा है? अच्छा हम तो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बॉडी बना क्यों रहा है भाई? जब तक लड़कियां लात मार के तुम्हें निकाले ना जिंदगी से तब तक तुम्हारी बॉडी बनती नहीं। सच में मतलब ज्यादातर तुम लोग ने अपने स्वैग वाले अगर खुद के मीन्स देखे होंगे है ना, तो तुम्हें पता होगा कि भाई जब तक लड़की ब्रेकअप ना करके जाए, जब तक तुम्हारा दिल ना दुखे, जब तक तुम्हारा ईगो ना हर्ट हो, बॉडी बनाते कहाँ हो, बॉडी बनाते कहाँ हो है ना। और उसके बाद में दुख ना पहुंचे जब तक तुम्हें ये ना लगे कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ ऐसा है ठीक है जिसकी वजह से मुझे लड़कियां रिजेक्ट कर रही है, तब तक तुम कहाँ बॉडी बनाते हो ठीक है। और उसके बाद मतलब ये कहते हो कि हाँ अब हमारा लड़कियों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमें औरतें पसंद है, जबकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हो कि हाँ भाई औरतें नहीं मिलने वाली, मिलेंगी लड़कियां है ना, तो मिलेंगी लड़कियां ही, किसी औरत से शादी नहीं होगी, तुम्हारी लड़की से ही शादी होगी। वही आगे जाके तुम आदमी हो जाओगे वो औरत हो जाएगी, बात सिर्फ इतनी सी है। लेकिन नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बोल दो कि हाँ लड़कियों के लिए बॉडी बना कौन रहा है। वाह, सो
आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।